हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑटो कंपेयर के नए एपिसोड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंपैरिजन लेके आए हैं भारत में मिलने वाली दो सबसे अफोर्डेबल सीएनजी कार्स के बीच में, जहां पर पहली गाड़ी है मारुति सुजुकी एस्प्रेसो सीएनजी और दूसरी है नई नवेली सेलेरियो सीएनजी। आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे और जानेंगे क्या एस्प्रेसो सीएनजी लेने के लिए बेहतर होगा या सेलेरियो सीएनजी। चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं और ढूंढते हैं आपके लिए कौन सी गाड़ी है ज़्यादा बेहतरीन चॉइस, किसमें ज़्यादा फीचर्स है, कौन सी गाड़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी डील दे रही है आपको। सबसे पहले शुरुआत करेंगे दोस्तों कीमतों के साथ। एस्प्रेसो सीएनजी, एस्प्रेसो में दोस्तों सीएनजी में चार वेरिएंट कंपनी ने लॉन्च किए हैं, जहाँ पर आप इनकी कीमत और वेरिएंट पढ़ सकते हैं। टॉप वेरिएंट का नाम है VXI ऑप्शनल और यह गाड़ी दोस्तों ऑन रूट करीबन 6,27,000 रुपीस में आ जाती है। अंडर 7 लाख में मतलब फाइनल हो जा रही है, बहुत अच्छी डील है। और ऊपर की ये तीन मॉडल आप देख रहे हैं वो तो और भी ज़्यादा सस्ती है। सेलेरियो की बात करूँ तो सेलेरियो के सीएनजी में कंपनी सिर्फ एक ही वेरिएंट को ऑप्शन में लाती है, जिसका नाम है VXI सीएनजी। VXI सीएनजी की ऑन रोड कीमत करीबन 7,40,000 रुपीज़ है। अगर हम इसे सेलेरियो के टॉप वेरिएंट VXI ऑप्शन के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ये करीबन 1 लाख से भी अधिक महंगी पड़ रही है सेलेरियो सीएनजी। तो आइए फाइंड करते हैं इन दोनों गाड़ियों के बीच कंपेयर करके किस क्या फ़र्क है दोनों गाड़ियों के बीच में और कौन सी गाड़ी है ज़्यादा सही। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इस कंपेरिजन का डिज़ाइंस के साथ। डिज़ाइन वाइज एस्प्रेसो सीएनजी एक हैचबैक टाइप की एसयूवी डिज़ाइन है, जिसको बनाया गया है हार्टेक प्लेटफॉर्म पर। सेलेरियो की बात करूँ, सेलेरियो भी हार्टेक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड एक गाड़ी है, लेकिन एक ट्रेडिशनल हैचबैक है, जहाँ पर अभी आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो अगर हम इस फैक्टर में इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करते हैं तो लंबाई के मामले में जो सेलेरियो है वो 130 mm ज़्यादा लंबी है, चौड़ाई के मामले में जो सेलेरियो है वो 135 mm ज़्यादा चौड़ी है, ऊंचाई के मामले में हालांकि एस्प्रेसो 9 mm ज़्यादा ऊंची है। सो इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, लंबाई चौड़ाई की होने की वजह से ये गाड़ी जो सेलेरियो है एस्प्रेसो से थोड़ी सी बड़ी गाड़ी बन जाती है। बड़ी गाड़ी का मतलब ये है कि इसके अंदर आपको स्पेस ज़्यादा देखने को मिलता है। स्पेस को कंपेयर करने के लिए मैं आपको बताऊँगा व्हील बेस की बात करूँ तो एस्प्रेसो का व्हील बेस है 2380 mm और जो सेलेरियो है इसका व्हील बेस है 2435 mm। यहाँ पे व्हील बेस की बात करता हूँ तो करीबन 65 mm का ज़्यादा व्हील बेस आपको सेलेरियो में देखने को मिलता है। ऐसे ही ग्राउंड क्लियरेंस की बात करता हूँ, ग्राउंड क्लियरेंस में आपको एस्प्रेसो में देखने को मिलता है 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और सेलेरियो का ग्राउंड क्लियरेंस करीबन 165 mm के आसपास में माना जाता है। तो यहाँ पे मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करता हूँ तो उस हिसाब से एस्प्रेसो मुझे ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है, क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है। हालांकि इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एंड स्पेस की बात करते हैं तो वो सेलेरियो में ज़्यादा है। लुक वाइज आपको कौन सी गाड़ी पसंद आई है तो पर्सन टू पर्सन ओपिनियन मैटर करता है, कौन सी गाड़ी सही लग रही है एक लुक में जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ओवरऑल किस गाड़ी में ज़्यादा स्पेस है, कौन सी गाड़ी ज़्यादा बड़ी है, तो वो है सेलेरियो। आइए आते हैं अपने सेकेंड एस्पेक्ट इंजन पे। इंजन की बात करूँ तो दोनों के इंजन में बहुत ज़्यादा बड़ा कोई फर्क नहीं है। तो आइए इंजन जानते हैं। एस्प्रेसो सीएनजी दोस्तों, इस गाड़ी में दिया गया है 1 लीटर का K10V इंजन, जो कि 3 सिलेंडर इंजन है। ये इंजन पावर आउटपुट जनरेट करता है 58 bhp का विद टॉर्क और 78 Nm टॉर्क। गाड़ी 5 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। वहीं बात करूँ यहाँ पर सेलेरियो में, सेलेरियो में दोस्तों आता है 1 लीटर का K10C इंजन। याद रखिएगा वो K10B इंजन था और ये K10C इंजन है। K10C जो दोस्तों ये नया इंजन है मारुति सुजुकी की तरफ से, जो कि 3 सिलेंडर का इंजन है। यह इंजन पावर जनरेट करता है 55 bhp का विद टॉर्क ऑफ 82 Nm टॉर्क। अब सेलेरियो का जो इंजन है पावर के मामले में तो यहाँ पे एस्प्रेसो से 3 bhp कम है, लेकिन टॉर्क के मामले में 4 bhp ज़्यादा टॉर्क दे रहा है। तो ओवरऑल दोनों के इंजन को कंपेयर करते हैं तो हाँ ठीक ठाक आपको पावर देखने को मिल जाता है। एक सिटी प्रैक्टिकल राइड के लिए तो बहुत अच्छी रहेगी दोनों गाड़ी। लेकिन एक सवाल उठता है सीएनजी गाड़ियों में कि माइलेज किसका ज़्यादा है, तो माइलेज जानते हैं। आइए दोस्तों, जो एस्प्रेसो सीएनजी है वो मैक्सिमम आपको 31 kmpl का माइलेज देती है ऑन अ 1 kg सीएनजी गैस। वहीं सेलेरियो की बात करूँ तो सेलेरियो दोस्तों आपको 36 का माइलेज क्लेम करती है। तो इन टर्म्स ऑफ माइलेज 5 किलोमीटर का आपको एक्स्ट्रा माइलेज यहाँ पे सेलेरियो में देखने को मिल सकता है ऑन बेस्ड ऑन ARAI सर्टिफिकेशन, जो मतलब ARAI द्वारा जो वैल्यू बताती है कंपनी उस हिसाब से मैं आपको माइलेज बता रहा हूँ। तो हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ, शुरू से मैं बोलते हैं सेलेरियो एक माइलेज मशीन है भाई। अगर आपको माइलेज ही चाहिए तो सेलेरियो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन हम एस्प्रेसो के माइलेज को भी बेकार नहीं कह सकते, क्योंकि यार 1 लाख रुपये सस्ते में आपको थोड़े कम माइलेज में एडजस्ट कर लो ना यार, 31 का भी माइलेज बेकार नहीं होता है। बात करते हैं दोस्तों इंफोटेनमेंट्स की।
इन्फोटेनमेंट वाइज दोस्तों एस्प्रेसो के सीएनजी वीएक्सआई ऑप्शन में आपको एमपी3 सिस्टम देखने को मिलता है जो कि ब्लूटूथ सपोर्ट करता है और दो स्पीकर आ जाते हैं। बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा कोई झामताम नहीं दिया गया है। सिलेरियो की बात करूँ दोस्तों, इसमें आपको एमपी3 सिस्टम वगैरह कुछ नहीं देखने को मिलता है, बिल्कुल खाली पकड़ा दिया जाता है। आप चाहे तो बाहर से फिट करा सकते हैं। कुछ समझ नहीं आता भाई, 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा भी ले लिया और भाई कुछ एक एमपी3 सिस्टम तो डाल देते, एटलीस्ट एस्प्रेसो वालों ने एमपी3 सिस्टम डाल के दे रहे हैं। तो सोचो यार, खुद ये डील आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कह रहे हैं इसके ऊपर। बाकी फीचर्स की बात करूँ तो बेसिक फीचर जो पावर स्टीयरिंग दोनों में देखने को मिलेगा। पावर विंडो आपको एस्प्रेसो में फ्रंट की तरफ सिर्फ आता है, जबकि सिलेरियो के फ्रंट एंड रियर दोनों साइड में दिया गया है, तो ये एक अच्छी बात है। और साथ ही साथ दोनों के टायर्स की बात करूँ तो R14 के टायर्स आए जाते हैं। लो फ्यूल वार्निंग लाइट, सीट लंबर सपोर्ट, रियर पार्किंग सेंसर्स एंड एसी हीटर जैसे फीचर, वो बेसिक फीचर दोनों में दिए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे एस्प्रेसो सीएनजी में एक एक्स्ट्रा फीचर मुझे देखने में अच्छा लगता है जो कि आपको सेम प्राइस पॉइंट में होने के बावजूद मिलता है, वो है कीलेस एंट्री का फीचर जो कि सिलेरियो के वीएक्सआई सीएनजी में नहीं दिया गया है। बाकी जो बेसिक प्रैक्टिकलिटी फीचर होते हैं वो दोनों में दिए जा रहे हैं। आते हैं दोस्तों सेफ्टी के ऊपर। सेफ्टी वाइज अभी तो एस्प्रेसो का जो सेफ्टी टेस्ट हुआ था, उस सेफ्टी टेस्ट में एस्प्रेसो को मिले हैं 0 अंक, मतलब इसे मिले हैं 0 स्टार, मतलब इसे अनसेफ गाड़ी कहा गया एनकैप के हिसाब से। सिलेरियो की बात करूं तो सिलेरियो भी हार्ट अटैक पे ही बेस्ड गाड़ी है, लेकिन अभी तक इस गाड़ी की सेफ्टी टेस्ट हुई नहीं है, तो क्या कहा जाए आप भी ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसके बारे में। बाकी जो बेसिक फीचर होते हैं ABS, EBD, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, 2 एयरबैग्स, डोर अजार वार्निंग, एडजस्टेबल सीट, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग लॉक, ये जो बेसिक वाले फीचर होते हैं ना, जो सेफ्टी फीचर हर गाड़ी में होने चाहिए, वो आपको दोनों गाड़ी में देखने को मिलेगी। सेफ्टी वाइज, ब्रेकिंग वाइज ज़्यादा कंट्रोल आपको दोनों में अच्छा देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम ये पूछें कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा सेफ है, तो भैया ये बताना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एक तरफ 0 स्टार की गाड़ी एस्प्रेसो कोड़ी है और दूसरी सिलेरियो जिसकी सेफ्टी टेस्ट हुई ही नहीं है, तो मैं क्या बोलूं इसमें, समझ सकते हो गए। तो आइए अब कंक्लूजन में आते हैं और बताऊंगा आपको कौन सी गाड़ी लेना ज्यादा बेहतर डील रहेगी। दोस्तों देखिए, एक तरफ एस्प्रेसो सीएनजी है जिसमें आप अगर लेते हैं इसका टॉप वेरिएंट भी लेने जाओगे तो आपके 1 लाख रुपए बच रहे हैं। 1 लाख रुपए बचा के आपको एक एमपी3 सिस्टम मिल जाता है। माइलेज सीएनजी के हिसाब से 31 का ये क्लेम करती है, जो कि मेरे ख्याल से ठीक ठाक माइलेज है, बहुत अच्छा माइलेज होता है यार, क्या चाहिए। अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है आपको एस्प्रेसो में, एक चीज़ मुझे और अच्छा लगता है। और बाकी यहाँ पर कीलेस एंट्री का एक एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलता है, और सुरक्षा की तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब 1 लाख रुपए बचा के आप एक अच्छे प्रैक्टिकल डील पा रहे हैं एस्प्रेसो सीएनजी में। बाकी सिलेरियो में क्या है, अगर आप 1 लाख रुपए मान लीजिए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर रहे हैं सिलेरियो में, तो क्या मिलता है? पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे तो वो है सिलेरियो का बड़ा साइज का होना। जी हाँ, ये बात आप मान सकते हैं कि एस्प्रेसो के मुकाबले सिलेरियो के अंदर आपको ज़्यादा स्पेस देखने को मिलेगा, ये पहला पॉइंट नोटिस कर लीजिएगा। दूसरा, एस्प्रेसो के मुकाबले आपको सिलेरियो में ज़्यादा माइलेज देखने को मिलता है, हालांकि ये माइलेज डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, 4-5 किलोमीटर का ऊपर नीचे होता रहता है दोनों के बीच, तो हाँ, लेकिन जो ज़्यादा माइलेज वो सिलेरियो दे रहा है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो सिलेरियो है इसके अंदर नया इंजन दिया गया है जिसकी टॉर्क ज़्यादा है एस्प्रेसो के मुकाबले। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर आप प्रैक्टिकल जाते हैं 1 लाख रुपए बचा के अपने पैसे को सेव करना चाहते हैं, तो एस्प्रेसो सीएनजी आपके काम कर देगी सारा जो काम आप सिलेरियो लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आप माइलेज के फैन हैं भाई, आपको माइलेज ही चाहिए, तो सिलेरियो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओवरऑल अगर आप मेरे हिसाब से देखें तो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी डील तो एस्प्रेसो सीएनजी ही दे रहा है करंट टाइम में, क्योंकि 1 लाख रुपए बचा के आपका एमपी3 सिस्टम भी दे रहा है। उतने पैसे आप बचा के एस्प्रेसो सीएनजी भी लगाओ, जो 1 लाख रुपए बचेगा उसमें आप टचस्क्रीन सिस्टम दिलवा सकते हो और बाहर से एसेसरीज ऐड करा के इसे टॉप वेरियंट बना सकते हो। बाकी ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था, आपके हिसाब से क्या आप सिलेरियो सीएनजी लेना पसंद करेंगे या एस्प्रेसो सीएनजी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भी ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल ऑटो कंपेयर को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।